Hello everyone, a very nice morning to each and every students, dear students of class 2nd, hope all are fine. Students, now you have very less time for exam, so dear all, if you haven't started to revise your chapters, revise your exercises for your subjective method or subjective matter, students, let's start to revise that very well. ओके बिकॉज अब आपके पास टाइम नहीं है, जो एग्जाम इज जस्ट ऑन योर हेड, तो आप सब लोग अच्छे से रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए और जो भी एक्सरसाइज आप लोग को अभी तक पढ़ाया गया है, बताया गया है, उसको अच्छे से रिवाइज करते रहिए, रीड करते रहिए, लर्न करते रहिए. ओके एंड देन इन योर एग्जाम यू विल नॉट हैव फेस एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम. सो स्टूडेंट्स, as you all know, we are also doing the revision work. Revision tour is going on. तो सब लोग क्या करेंगे, आज अपने बुक को ओपन कीजिए, इंग्लिश कोर्स बुक. And today I have the page number 32. ठीक है, आज हम लोग पेज नंबर 32 को रीड करेंगे, रिवाइज करेंगे. सो ओपन कर लीजिए सब लोग. And today I have topic about phonics. जैसे कि आप लोगों को पता है, in phonics we ask about or read about sound of the word, means वर्ड्स के साउंड को रीड करते हैं हम फोनिक्स में. जो साउंड कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए साउंड, ई साउंड, आई साउंड, यू साउंड, क्यू साउंड. ठीक है, एंड टुडे वी हैव द साउंड, टुडे वी हैव साउंड वर्ड्स विथ क्यू. मीन्स आज का जो हमारा फोनिक्स है वो आपका क्यू यू वर्ड से रिलेटेड है, क्यू यू प्रोनंस से रिलेटेड है. ठीक है, चलिए क्यू यू प्रोनंस स्टार्ट करते हैं. क्यू आर, क्यू इज द वन लेटर इन द अल्फाबेट दैट डजंट लाइक टू स्टैंड अलोन. क्यू, ये आपका क्यू कैपिटल में है, ये सेकेंड क्यू जो है वो आपका स्मॉल में है. ठीक है, तो यहाँ पे दिया है आइदर यू हैव योर कैपिटल क्यू और यू हैव योर स्मॉल क्यू. इंडीड, ओके स्टूडेंट्स, is the one letter in the alphabet that doesn't like to stand alone. Means whenever we write any word, okay, which is from your Q letter, that never be stand alone. Means वो word जो है जब भी हम उसकी pronounce करते हैं, उसका sound बनाते हैं, तो वो word कभी भी alone नहीं रहता है. ठीक है ना, अकेले नहीं रहता है, वो word कुछ और भी letters के साथ added रहता है. जैसे देखते हैं, Q is always followed by U. एंड आपका जो क्यू लेटर है, इट्स ऑलवेज फॉलोड बाय यू. जो भी वर्ड्स रहते हैं मोस्टली टाइम जो है इसमें यू लेटर एडिड रहते हैं. ठीक है, ये यू लेटर को फॉलो करता है. क्यू यू, यहाँ देखिए क्यू यू मेक्स द के डब्ल्यू साउंड, और क्यू यू जो होते हैं वर्ड्स वो के डब्ल्यू साउंड को बनाते हैं. एज इन क्विक, यहाँ देखिए क्विक, क्यू यू आई सी के है ना, यहाँ पे क्यू यू साउंड है, क्यू यू आपका लेटर है, साउंड कैसे बना रहा है, क्विक मीन्स क व मीन्स के डब्ल्यू का साउंड बना रहा है. ऐसे है क्वीन, ये भी के डब्ल्यू का साउंड बना रहा है, क्वीन. क्वाइट, इसमें भी आपका के डब्ल्यू की साउंड आ रही है, क्वाइट, इसमें भी के डब्ल्यू की साउंड आ रही है. क्यू यू ऑलवेज मेक्स द सेम साउंड, क्यू यू जो है वो हमेशा एक जैसा साउंड बनाता है, वेदर चाहे एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड्स, आइदर वो आपका स्टार्टिंग वर्ड्स का स्टार्टिंग हो, लाइक क्वाइट, लाइक क्विल्ट, ये इसमें भी के डब्ल्यू की साउंड आ रही है. आर इन द मिडल ऑफ वर्ड्स लाइक, आइदर आपके जो मिडिल के वर्ड्स होते हैं स्क्वैक, ठीक है, ये भी के डब्ल्यू की साउंड बना रही है. स्क्वैक ये आपका इक्वल, ये भी के डब्ल्यू की साउंड बना रहा है, इक्वल. स्क्वर्म, ओके, और इक्वेटर, ये सारे वर्ड जो हैं वो सेम साउंड ही बनाते हैं, के डब्ल्यू की साउंड बनाते हैं. ये आपका आज का फोनिक्स एक्सरसाइज है. आफ्टर दिस वी हैव एक्सरसाइज, ओके स्टूडेंट्स, सो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज से मूव करते हैं. लेट्स ट्राई फोर, स्टार्ट. मैच द क्यू यू वर्ड्स टू देयर मीनिंग, से द वर्ड्स अलाउड एज यू मैच देम, वन हैज बीन डन फॉर यू. मैच द क्यू यू वर्ड, आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं वन साइडेड में, ठीक है, और सेकेंड साइडेड में उनके मीनिंग्स दिए गए हैं, तो आपको इन वर्ड्स को उनके मीनिंग के साथ मैच करना है,
जो कि क्यू यू साउंड में है, और मैच करने के साथ ही आपको इन सारे वर्ड्स को लाउडली रीड भी करना है। तो स्टार्ट कीजिए। साइलेंट फर्स्ट क्या है? साइलेंट, साइलेंट आपका वर्ड है, ठीक है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइलेंट? यहाँ देखिए ये रॉन्ग दिया गया है, ये से दिया गया है ना, ये रॉन्ग है, ठीक है, रॉन्ग मैचिंग है। ये जो साइलेंट होता है मीन्स जो शांति बोलते हैं, चुपचाप बोलते हैं, वो होता है क्वाइट। क्या होता है? क्वाइट। तो इसको आप सही करेंगे, साइलेंट को मैच करेंगे इसके साथ। देखिए मैं नंबर लिख दिया, ए नंबर, तो क्वाइट के साथ मैच करेंगे साइलेंट को। नेक्स्ट है फास्ट, मीन्स तेज, तेजी से, ठीक है। तेजी से क्या हो जाएगा? मीन्स उसकी जो मीनिंग होती है वो क्यू यू साउंड में होती है, क्विक। यहाँ देखिए क्विक है ना, इसके साथ इसको मैच करेंगे। नेक्स्ट आइए, अ वॉर्म कवर्ड लाइक अ ब्लैंकेट, एक वॉर्म थिंग होता है, गर्म चीज़ होता है, जो कि कवर लाइक अ ब्लैंकेट, एक ब्लैंकेट की तरह कवरिंग होता है, उसको हम कहते हैं व्हाट? क्विल्ट। ये जो है ना, इसमें जो मैच हुआ है ये रॉन्ग था, ये आपका सी का पॉइंट है, तो हम इसके साथ सी को ऐड कर देंगे, ठीक है, क्विल्ट हो जाएगा, क्विल्ट। नेक्स्ट, अ लॉन्ग लाइन, एक लंबी लाइन, उसकी मीनिंग क्या होती है क्यू यू साउंड में? क्यू, ओके, इसकी साउंड होती है क्यू, ये जो आपका है फोर नंबर क्यू, इसके साथ इसको ऐड करेंगे। समथिंग यू आस्क, वेन एवर यू आस्क समथिंग, दैट मीन्स क्वेश्चन, जब भी आप किसे पूछते हैं वो क्वेश्चन तो ही होता है ना, आंसर तो होता नहीं है, तो उसको क्वेश्चन मीनिंग होगी क्वेश्चन, इसको हम इसके साथ क्वेश्चन के साथ मैच कर देंगे, और यहाँ पे नंबर भी ई नंबर डाल देंगे। लास्ट, द साउंड ऑफ अ डक मेक्स, एक जो डक होती है, डक की साउंड क्या होती है? हाउ डज अ डक मेक साउंड, कैसे करता है? क्वाक करता है ना, क्वाक साउंड बनाता है, इसके साथ मैच करेंगे, एफ हो जाएगा, क्वाक। क्लियर है? ओके, आप लोग इसको अच्छे से मैच कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा है लेट्स ट्राई फाइव, ठीक है, लेट्स ट्राई फाइव, स्टार्ट कीजिए। रीड दिस पैसेज अलाउड अंडर व्हाट्स इफ विथ क्यू, वॉट एवर यू सी वन हैज बीन डन फॉर यू। रीड दिस पैसेज अलाउड, यहाँ देखिए एक पैसेज दिए गए हैं, इसके रिमेनिंग पैसेज आपको नेक्स्ट पेज में मिलेंगे, पेज नंबर 33 पे। अंडरलाइन विद वर्ड्स क्यू, इसमें आपको उन सारे वर्ड्स को अंडरलाइन करना है जो कि क्यू यू साउंड से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, क्यू यू साउंड से स्टार्ट हुआ है। वॉट एवर यू सी, वॉट एवर वर्ड्स आप देख रहे हो जो कि क्यू यू साउंड से स्टार्ट हुआ है, उसको आप क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट स्क्वैक, स्क्वैक देखिए क्यू यू साउंड है ना, इसको अंडरलाइन कीजिए। ये भी सेम आपका स्क्वैक सेम है, इसको अंडरलाइन कीजिए। आफ्टर स्क्वायरल, यहाँ देखिए इसमें भी स्क्वायरल में क्यू यू है, इसको भी अंडरलाइन कीजिए। उसके बाद मूव करते जाइए, इट ट्रेंड क्विकली, क्विकली दिया, क्विकली को अंडरलाइन करिए। मम्मा स्क्वायरल, स्क्वायरल को अंडरलाइन कीजिए। इक्वली, ये भी अंडरलाइन होगा। क्वाइट, ये भी अंडरलाइन होगा, ठीक है। इतने सारे वर्ड्स को अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग पहले, फिर हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके चलिए मूव करते हैं पेज नंबर 23 पे। चलिए यहाँ आइए, देखिए आई नो सी से विदर विस्कस क्वेरिंग, देखिए क्वेरिंग है ना, क्वेरिंग को अंडरलाइन कीजिए। एंड द क्वाइल, क्वाइल भी अंडरलाइन होगा, क्यू यू साउंड है। ओके डन, इसमें आपके पास क्वेरिंग, क्वेरिंग एंड क्वाइल जो है अंडरलाइन होंगे। क्लियर है? डन। ओके कम ऑन नेक्स्ट एक्सरसाइज, वर्ड पावर। कौन सी एक्सरसाइज है? वर्ड पावर। स्टार्ट, फेस्टिव वर्ड्स मीन्स, फेस्टिव वर्ड्स मीन्स, फेस्टिव वर्ड मीन्स फ्रेंड्स, डू यू नो अबाउट द फेस्टिव वर्ड? मीन्स जो भी वर्ड्स होते हैं ड्यूरिंग फेस्टिवल, हम उसको यूज़ करते हैं फॉर द थिंग्स, फॉर द मटेरियल्स, फॉर द सेलिब्रेशन, ठीक है। तो वो सारे वर्ड्स आपके फेस्टिव वर्ड्स में आएंगे। यहाँ देखिए एक्सप्लेन किया गया है, वी फ्लाई काइट्स ऑन मकर संक्रांति। ऑन मकर संक्रांति हम क्या करते हैं? काइट को फ्लाई करते हैं। वॉट एल्स डू वी डू ऑन फेस्टिवल्स?
एंड इंस्टीड ऑफ दिस, इन पार्ट ऑफ दिस। इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो हम फेस्टिवल के दिन करते हैं? एक्सरसाइज बिलो टू बिल्ड योर फेस्टिव वर्ड पावर। यहाँ पे नीचे में आपके कुछ वर्ड्स, बिलो पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो कि फेस्टिव वर्ड हैं, और आपको इन सारे वर्ड्स को फेस्टिव वर्ड में चेंज करना है, एक बिल्डिंग प्रिपेयर करनी है बाय यूजिंग सम फेस्टिव वर्ड्स, जो कि आपका लेट्स ट्राई 6 है। स्टार्ट करिए। हेयर इज अ फ्यू वर्ड्स अबाउट फेस्टिवल्स। यहाँ पे आपके कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो कि फेस्टिवल के बारे में है। कैन यू फाइंड देम इन द ग्रिड? क्या आप इन सारे वर्ड्स को फेस्टिवल वर्ड्स को इस ग्रिड में फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि आपको अंडरलाइन करना है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दे रही हूँ, फर्स्ट वर्ड इज सेलिब्रेट, सेकेंड फेस्टिवल, थर्ड ग्रीड, नेक्स्ट फैमिली, नेक्स्ट फीड्स, नेक्स्ट लाइट्स, फ्लावर्स, अटायर, डेकोरेट, स्वीट्स, कस्टम, प्रेजेंट्स। ये सारे आपके फेस्टिवल्स हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वर्ड स्टार्ट करते हैं फाइंड करना। सेलिब्रेट, देखिए तो आपका सेलिब्रेट है कहीं? सेलिब्रेट अवार्ड आपको मिल रहा है? देखिए फाइंड आउट कीजिए, फेस्टिवल वर्ड है। आर यू गेटिंग द फेस्टिवल वर्ड? आर यू गेटिंग द ग्रीट वर्ड? आर फैमिली फेस लाइट्स? टेल मी, बताइए मुझे। यहाँ देखिए सेलिब्रेट वर्ड आपका है ना, बस सेलिब्रेट वर्ड, इसको अंडरलाइन कर लेंगे ऐसे। नेक्स्ट वर्ड आपका था फेस्टिवल, फेस्टिवल वर्ड था। चलिए फेस्टिवल वर्ड को फाइंड करते हैं जो कि आपका यहाँ है, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, ग्रीट। नेक्स्ट ग्रीट वर्ड देखिए, आर यू गेटिंग दिस ग्रीट वर्ड एनीवेयर? आर यू गेटिंग? ऐसे आप लोग को स्ट्रेंथ क्या करना है? स्ट्रेंथ ऐसे आप लोग को इन सारे वर्ड्स को आप इस ग्रीड से फाइंड आउट कर लेंगे और उसको अंडरलाइन कर लेंगे, ओके। फाइंड आउट करके आप इसको पेंसिल से अंडरलाइन कर लेंगे इन सारे वर्ड्स को, और उसको लर्न भी करेंगे। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ कंप्लीट दिस एक्सरसाइज विच इज़ इन योर होमवर्क टुडे। ये आज का आपका होमवर्क है। चलिए आप लोग होमवर्क में करना है, ठीक है। कंप्लीट कीजिए बुक को और उसको रिवाइज भी कर लीजिए, इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस को फॉर रिविजन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ थैंक यू, हैव अ गुड डे।